जर्मनी का औद्योगिकरण। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने उद्योग और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यह यूरोप में पहली औद्योगिक क्रांति के रूप में जानी जाती है। इसके कारण ब्रिटेन का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व बना। उसकी बराबरी करने के लिए अन्य यूरोपीय देशों को भी औद्योगिकरण का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन अन्य यूरोपीय देशों में राजनीतिक परिस्थितियाँ सन 1830 तक इसके अनुकूल नहीं थी। सन 1870 के बाद परिस्थितियाँ बदलने लगीं। जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। फ्रांस में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इन देशों में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हो पाई। लेकिन इन देशों में एक समस्या यह थी कि इनमें ऐसा सशक्त पूंजीपति वर्ग का अभाव था जिसके पास पर्याप्त पूंजी और अनुभव हो। इसके चलते ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा करके विकास करना कठिन था। कपड़ा जैसे उद्योगों में ब्रिटेन के वर्चस्व को तोड़ना लगभग असंभव था। फ्रांसीसी क्रांति के समय जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था। सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोपीय देशों का पुनर्गठन हुआ तब लगभग 39 के करीब राज्य बचे। इनमें सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राज्य प्रशा था, जिसने न केवल अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया बल्कि उसने पूरी जर्मनी का अपनी छत्र छाया के नीचे एकीकरण भी किया। सन 1834 में प्रशा राज्य के नेतृत्व में एक आर्थिक संघ बना। इस संघ ने सभी व्यापारिक रुकावटों को कम कर दिया और मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। प्रशा ने अपने राज्य में कई कदम उठाए जिससे जर्मन अर्थव्यवस्था पर सामंतवादी नियंत्रण समाप्त हो सके। इनमें कृषि दासता या अर्ध गुलामी का अंत और भूमि सुधार महत्वपूर्ण कदम थे। इसके अंतर्गत जमींदारों के अर्ध गुलाम होकर रह रहे थे किसानों को आज़ादी दी गई। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात यहाँ पर बड़े कारखाने बनने लगे और खदानें खुलने लगी। तब बेरोजगार लोग इनमें काम करने के लिए उपलब्ध थे। दूसरी ओर जो सामंती जमींदार थे उनका काया पलट हुआ और वे आधुनिक तरीकों से खेती कराने वाले उद्यमी जमींदार बन गए। कृषि उत्पादन बढ़ा और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकने लगा। जर्मनी के शासक यह बखूबी समझते थे कि जर्मनी का वर्चस्व उसके औद्योगिकरण पर निर्भर है, लेकिन इसके लिए जर्मनी को ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी और ऐसे उद्योगों को विकसित करना होगा जो ब्रिटेन में नहीं थे। उन दिनों औद्योगिकरण के लिए तीन क्षेत्र खुल रहे थे। ये थे रासायनिक उद्योग, भारी मशीन उद्योग एवं बिजली उद्योग। रासायनिक उद्योग जिसमें कृत्रिम खाद, कृत्रिम रंग, औषधि, फोटोग्राफी की सामग्री, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विस्फोटक आदि बनते थे। भारी मशीन उद्योग मशीन बनाने वाली मशीनों को बनाना और बिजली उद्योग शामिल था। उन्हीं दिनों अमेरिका में थॉमस एडिसन और अन्य आविष्कारकों ने बिजली से चलने वाली विभिन्न तरह की चीज़ों का आविष्कार किया था। इनके अलावा सन 1850 के आसपास रेलवे और भाप चलित जहाज निर्माण पूंजी निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहे थे। जर्मन उद्योगपतियों ने ब्रिटेन से प्रतिस्पर्धा के लिए इन नए क्षेत्र को चुना, लेकिन ये सूत या कपड़ा कारखाना जैसे नहीं थे क्योंकि उनमें बहुत भारी निवेश की आवश्यकता थी। उन दिनों जर्मनी में इतने धनी पूंजीपति नहीं थे। जर्मन सरकार ने भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया और सारे देश में रेलवे का जाल बिछाया। महत्वपूर्ण खनिजों की खदानें राजकीय स्वामित्व में खोली। राज्य की पहल पर स्कूल, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई। विश्वविद्यालयों में जो अनुसंधान हो रहे थे उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास हुआ। तकनीकी शिक्षा संस्थानों को भारी उद्योगों से जोड़ा गया ताकि वहां पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों का काम कारखानों की जरूरत के अनुकूल हो। जर्मन राज्य ने ऐसी कर नीति अपनाई जिससे दूसरे देशों में बने माल का जर्मनी में आयात करने पर अधिक सीमा शुल्क देना पड़े और जर्मनी के सामान का
देश के बाहर निर्यात करने पर कम सीमा शुल्क देना पड़े। इस कारण जर्मनी के उद्योगों को दूसरे देशों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सका। जर्मनी के एकीकरण के बाद एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने का गहन प्रयास शुरू कर दिया गया और शीघ्र ही अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश बने। इस प्रकार जर्मनी के औद्योगिकरण में राज्य ने अहम भूमिका निभाई। यह ब्रिटेन के औद्योगिकरण में राज्य की भूमिका से बहुत अलग था। पूंजी की कमी और विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जर्मनी के पूंजीपतियों ने कई संस्थागत नवाचार किए। इनमें विशाल बैंकों की भूमिका अहम थी। संयुक्त व्यापारिक संस्थान बनाना, जिन्हें कार्टेल कहा जाता था, इनसे भी महत्वपूर्ण था। इसमें किसी विशेष उद्योग की सभी उत्पादक कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा को कम करके अपने उत्पादनों की कीमत को ऊंचा बनाए रखने के लिए आपसी समझौता कर लेती थी। कार्टेल की सदस्य कंपनियों को कुछ आपसी नियम स्वीकार करना पड़ता था। सन 1900 तक जर्मनी ने रंगों के उत्पादन में विश्व के 90% बाजारों पर नियंत्रण कर लिया। कृत्रिम रसायन उद्योगों के प्रभाव से औषधियों, फोटोग्राफी की सामग्री, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विस्फोटकों आदि उद्योगों की स्थापना हुई। रासायनिक उत्पादन में जर्मनी इंग्लैंड की तुलना में 60% अधिक उत्पादन करने लगा। इस काल में बिजली एवं इस्पात उद्योगों का भी तीव्र विकास हुआ। जर्मनी में राजकीय समाजवाद। जिस प्रकार ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दौरान मजदूरों को विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था, जर्मनी में भी वैसे ही हालात उत्पन्न हो रहे थे। इसके विरोध में मजदूर आंदोलन भी उभरने लगा था। मजदूर तेजी से समाजवादी सिद्धांतों को अपना रहे थे और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयास करने लगे थे। इसे रोकने के लिए जर्मन सरकार ने कई कदम उठाए। पहला तो सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू की गई ताकि सारे बच्चे शिक्षित हों। इसके अलावा निःशुल्क राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें अध्ययन करके कोई भी कुशल कारीगर बन सकता था। मजदूरों के लिए वृद्धावस्था, बीमारी और दुर्घटना बीमा सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यह सुविधा सरकार और मालिकों के संयुक्त अनुदान से चलती थी और इससे सेवाकाल के दौरान एवं उसके बाद या बीमारी आदि की हालत में भी मजदूर सम्मानजनक जीवन बिता सकते थे। ऐसे कदमों के कारण सरकार मजदूर आंदोलन को काबू में रखने में सफल रही। चूंकि राज्य ने स्वयं समाजवादियों की मांग को लागू किया, अतः इन नीतियों को राजकीय समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म कहते हैं।